फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अपन देखते हैं भाई लेक्चर नंबर सिक्सटीन सॉइल वाटर एंड स्ट्रेसेस तो सॉइल वाटर में हम एक केस देख चुके थे कौन सा वाला मैं आपको डिफरेंट वाटर कंडीशन के लिए मैं आपको डिफरेंट सॉइल कंडीशन के लिए मैं आपको स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना सिखा रहा था तो पहला पहला जो था हमारा सरचार्ज वाला केस वो हम कर चुके थे अब मैं दूसरा केस आपको बताता हूँ सेकेंड केस कौन सा है हमारा सेकेंड केस है हमारा सेकेंड कंडीशन कौन सी है वो है सब सॉइल कंडीशन सेकेंड कौन सा हमारा ये कंडीशन है इस कंडीशन में किस तरह से अपन ज्ञात करेंगे तो मान लीजिए ये अपनी सॉइल थी सॉइल क्या है केवल यहाँ तक भरी हुई थी बात क्लियर है मतलब ये हमारा क्या था एक तरह से ये था हमारा ग्राउंड लेवल ठीक मैं आपको प्रैक्टिकल कंडीशन बता रहा हूँ और जो पानी है इससे ऊपर पहुँच गया मतलब ये क्या है हमारी ये है ग्राउंड वाटर टेबल पानी ऊपर कैसे पहुँच गया भाई कोई हमारी लेक मान लो लेक के ऊपर क्या है नीचे ज़मीन ही तो उसके ऊपर पानी है तो हम उस वाली सॉइल की बात कर रहे हैं वो क्या फुल्ली सबमर्ज कंडीशन है तो इसके अंदर पानी क्या है ये कंप्लीट में पानी भरा हुआ है और ये क्या है हमारी ये सॉइल है ये कंप्लीट सॉइल है तो ये सॉइल जो है वो क्या कहलाएगी हमारी फुली सेचुरेटेड है क्या नहीं ये ये फुली सेचुरेट है और ये कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे ये फुली सबमर्ज कंडीशन तो इस सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ऐसे बराबर होगा परफेक्टली तो इसका अगर आप बोलोगे यूनिट वेट तो क्या होगा हमारा गामा सेचुरेटेड क्यों भाई क्योंकि जो पोर्सेज हैं इसके अगर मैं केवल इसका केवल मैं अगर वेट निकालू अलग से पानी को हटा करके यहां पर हम टोटल स्ट्रेस देख रहे हैं टोटल स्ट्रेस का कैलकुलेशन कैसे होता है मैंने आपको बताया था तो वहां पर मैं किसका यूज करूंगा गामा सैचुरेटर गामा डेस का यूज नहीं करूंगा बात क्लियर है क्या नहीं तो अब देखो कि मैं इंडिविजुअल का वेट ले रहा हूं हर एक के अंदर अब अपन क्या करते हैं सबसे पहले सबसे पहले अपन बनाएंगे टोटल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो ये मैंने बेस ले लिया जीरो अब जीरो से जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं तो आपको क्या दिख रहा है ये हमारा एच वन हाइट है और ये है मेरी एच टू हाइट ठीक है ये मेरी एच वन हाइट है और ये मेरी एच टू हाइट है एच वन हाइट में क्या केवल पानी है तो किसका यूनिट वेट है यहां पर केवल गामा W है पानी का यूनिट वेट। यहां पर क्या है सेचुरेटेड यूनिट वेट है तो जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तो यहां पर केवल आपको पानी पानी दिख रहा है तो ये टोटल स्ट्रेस केवल किसके कारण होंगे हमारे वाटर के कारण क्योंकि तो हम पढ़ चुके हैं टोटल स्ट्रेस किसके कारण होते हैं हमारे सरचार्ज जो हमने लास्ट किस में देखा था प्लस में सॉइल का वेट प्लस में वाटर का वेट तीन चीजों को हम जोड़ते थे तो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक तो कुछ है ही नहीं केवल क्या है पानी है तो हम पानी है तो हमने क्या किया ये वाटर के लिए हमने बना दिया ये क्या हो गया हमारा एच तो तो वन गामा डब्ल्यू बात क्लियर है एच वन आधार्यू यह इसकी स्लोप हो चुकी है अब अगर मैं बात करता हूं नीचे वाले पोर्शन की ये वाला पोर्शन अब जैसे ही हम इससे नीचे जाएंगे तो कंप्लीट एज इट इज यूं का यूं नीचे चला जाएगा मैंने आपको बताया था कभी भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो आप क्या करोगे जैसे ही सेक्शन चेंज होता है उस चेंज वाले सेक्शन पर जो ऊपर जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है वो एज इट इज यू का यूं ट्रांसफर हो जाता है तो आपने देखा इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर सेक्शन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है यहां तक पानी था वो हमारे सॉइल स्टार्ट हो गई तो ये जो हमारा ये जो हमारा स्ट्रेस था ये एज इट इज नीचे ट्रांसफर हो गया अब बात आती है हमारे कौन से वाले की इस वाले की तो अब आप ये कौन सा है? Soil का soil का क्या होता है एच वन एच टू में गामा तो गामा क्या है यहां पर सेचुरेटेड है और हाइट कितनी है हमारी एच टू तो यहां से भी ट्राइंगल चलेगा लेकिन आपको देखना है कि मैं इसकी स्लोप इससे ज्यादा रखूँ या कम रखूँ तो आपको बता रखा है मैंने आप केवल क्या देखोगे आप तो नीचे वाली वैल्यू देखोगे मान लो ये ठीटा वन थी तो ठीटा वन तो कितना है वन अपो गामा डब्ल्यू और ठीटा टू कितना है ये है वन अपॉन गामा सेचुरेटेड बात क्लियर है क्या नहीं तो थीटा वन ये है थीटा टू ये है इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी होती है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो ये वाली वैल्यू तो होगी कम और ये वाली वैल्यू होगी ज्यादा तो तो ये तो स्टीपर है और ये क्या आएगा इसको थोड़ा सा मेरे को फ्लैट बनाना पड़ेगा ठीक है क्या नहीं तो ये मेरा क्या हो गया गामा एच टू गा सेचुरेटेड यहां से यहां तक का मेरा आ चुका है टोटल स्ट्रेस एच वन गामा डब्ल्यू प्लस एच टू गामा ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है भैया डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इसकी स्लोप लिख देता हूं वन अपॉन गामा सच ये डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ठीक पहला तो हो गया हमारा टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अब मैं बात करता हूं पोर वाटर प्रेशर की कि पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन या न्यूट्रल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे होगा वो मैंने यहां से स्टार्ट किया जीरो लेवल से अब मैं देख रहा हूं इसके अंदर कि इस वाले पॉइंट पर ऊपर क्या है हमारा इसमें तो पानी स्टार्ट से बिल्कुल शुरू हो गया आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था तो जो मेरा पानी था वो पहले से स्टार्ट नहीं हो रहा था उसमें कहां से स्टार्ट हो रहा था थोड़ी सी इस वाले हाइट से हो रहा था लेकिन यहां तो दिख रहा है तो पानी यहां से यहां तक पूरे में भरा हुआ है तो क्या होगा यहां से यहाँ तक तो यहां से यहाँ तक क्या होगा हमारा गामा डब्ल्यू एच वन यही होगा सेम एच वन गामा डब्ल्यू और यहां से आता क्या होगा हमारा हाइट है तो गामा डब्ल्यू एच टू बात क्लियर है नहीं और स्लोप क्या रहेगी दोनों की सेम ये ये हो गया हमारा गामा ह1, गामा डब्ल्यू दूरी ये स्ट्रेस एज इट इज नीचे ट्रांसफर हो जाएगा कितना एच वन गामा डब्ल्यू उसके बाद में इसकी स्लोप कितनी होगी और अपॉन गामा डब्ल्यू और ये वाला भी हमारा क्या होगा एच टू गामा डब्ल्यू इसकी स्लोप कितनी है? गामा डब्ल्यू दोनों की स्लोप क्या है सेम इसलिए एक ही लाइन आ गई हमारी सीधी ठीक है ना तो मैं ये जो स्ट्रेस इसको क्या लिख सकता हूं इसको लिख सकता हूं एच वन प्लस में एच टू इन टू में गामा डब्ल्यू ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेरा पोर प्रेसर डिस्ट्रीब्यूशन पोर प्रेसर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मेरे आ गए ये टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ये पोर प्रेशर सिंपल सा प्रोसीजर है कोई चेंजेस नहीं है जैसे ही आपका ये कोई लेवल चेंज हो रहा है उस लेवल पर ये आप क्या कर दोगे उस लेवल से आप दूसरी चीज स्टार्ट कर दोगे एज गामा डब्ल्यू की और उस वाले लेवल तक जो भी टोटल लोड लगा वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है बस दो ही स्टेप है तो यहां तक हमारा सब कुछ सेम चल रहा था इसके बाद में ये चेंज हो चुकी है सॉइल तो ये स्ट्रेस यूं कहीं ट्रांसफर हो गया नीचे ठीक है क्या नहीं अब बात करते हैं हम तीसरे की इसमें क्या होता है भाई तीसरे वाले का देखते हैं अपन इफेक्टिव निकालना इफेक्टिवली आपको क्या करना पड़ेगा इसमें से ये घटाना पड़ेगा तो आपको दिख रहा है आप इसमें से यह घटाओगे तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये तो एज इट इज बराबर है दोनों का ये देखो ये यहां पर इस वाले पॉइंट पर क्या है हमारा एच वन गू ये भी कितना है एच वन गामा इसमें से यह घटाओगे तो पूरा ही घट गया तो यह क्या आ गई वैल्यू जीरो आ गई यहां तक क्या आएगा अपना जीरो आएगा साफ साफ दिख रहा है इससे नीचे जाता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है ये है एच वन गामा डब्ल्यू प्लस में एच टू गाचुरेटेड और ये क्या है मेरा H1 गामा गामा प्लस में H2 गामा तो इसको मैं किस तरह से निकालूंगा इसको निकालने के लिए मेरे को एक काम करना पड़ेगा एच वन गामा डब्ल्यू प्लस में एच टू गामा सैचुरेटेड माइनस एच वन गामा डब्ल्यू माइनस एच टू गा डब्ल्यू ये तो मेरा कैंसिल हो गया पूरा अब बच क्या गया मेरा एच टू गामा सैचुरेटेड माइनस एच टू गामा डब्ल्यू एच टू कॉमन ले लिया तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू और ये क्या रहता है हमारा ये रहता है सबमर्स के बराबर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप डायरेक्टली अपने आप क्या लिख दोगे कि ये जो वैल्यू आएगी मेरी ये क्या आएगी इफेक्टिव स्ट्रेस की एच टू गामा डैस ठीक है वन अपॉन गामा डैस इसका क्या रहेगा स्लोप रहेगा एच टू इन टू में गामा तो ये हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है भाई तो ये हमारे तीनों के तीनों बन चुके हैं डायग्राम इस तरह से निकालते हैं मैं फिर से एक बार बता देता हूं देखो आपको क्या करना है कोई कैसा भी केस हो आप ऊपर से चलोगे पानी है तो हमारा क्या आ जाएगा हाइट के साथ में पानी की डेंसिटी आ जाएगी सॉइल है तो सॉइल की डेंसिटी आ जाएगी बस वो यूनिट वेट सॉरी वही आ जाएगा यूनिट वेट हमारा तो हाइट इंटू में यूनिट वेट आपको करना है तो देखो यहाँ से आपका पानी चल रहा है तो पानी की डेंस हाँ पा, पानी का जो यूनिट वेट है इंटू में हाइट एच वन होगी और उसके बाद में जैसे ही आपको कोई फेस चेंज हो रहा है पानी से ये सॉइल हो गया पर या फिर यहां पर ड्राई सॉयल से वेट सॉयल है या फिर वेट से ड्राई है कुछ भी चेंज हो रहा है उस वाले सेक्शन पर ऊपर का लोड एज इट इज नीचे ट्रांसफर हो जाएगा तो एच वन गामू एच डीचे ट्रांसफर हो गया और वहीं से हमारा जो नीचे वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ना उसकी वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी जीरो से लेकर ट्राइंगल के रूप में हमने ये किया है आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना है तो दिख रहा है ऊपर से नीचे तक सेम लग रहा है एज इट इज एक लाइन बनेगी यहां पर क्या रहेगा हमारा टोटल हाइट एच वन प्लस एच टू इंटू में गामा डब्ल्यू एच वन प्लस एस टू इंटू में गामा डब्ल्यू इस तरह से अपन निकालेंगे इफेक्टिव को निकालने के लिए आपको इसमें से ये वाला घटाना पड़ेगा तो इस तरह से हमारे तीनों तीनों डिस्ट्रीब्यूशन निकल चुके हैं ये किसके लिए था फुल्ली सबमर्ज्ड सॉइल कंडीशन के लिए अब आपको यहां पर अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो क्या है जो अपने क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है स्टेटमेंट काफी बार पूछा गया है कि सॉइल का जो ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर अगर अपन पानी को बढ़ाते जा रहे हैं मान लो ये हाइट एच वन ना इसको आप एक मीटर मान लो सॉइल तो डूब चुकी है अगर मैं एक मीटर से ऊपर बढ़ रहा हूं दो मीटर तक पानी भर दिया तीन मीटर तक भर दिया चार मीटर तक भर दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा तीनों पर क्वेश्चन समझ में आया फुली समझ कंडीशन में या फिर ग्राउंड लेवल से ऊपर पानी को बढ़ाने पर ग्राउंड लेवल से ऊपर आप जैसे जैसे पानी को बढ़ाओगे पानी की हाइट बढ़ाओगे पानी का लेवल बढ़ाओगे तो इन तीनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखो अगर मैं इसको एच की जगह और कर देता ना तो मेरा यह क्या होता एच वन गामा डब्ल्यू ये वाली वैल्यू मेरी और ऊपर चली जाती बढ़ जाती ये वाली वैल्यू क्या हो जाती और बढ़ जाती टोटल प्रेशर क्या होता मेरा? टोटल देखो, H1, गामा प्लस में H2, गामा है इस वैल्यू को आप इस गुणन फल को दस मान लो ना दस मान लिया मैंने एच वन इंटू गामा डब्ल्यू तो एच गामा डब्ल्यू कितना होता है दस होता है ठीक है ना इंटू में एच वन अभी फिलहाल आप एक मीटर मानो एक मीटर पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई बीस हो गई अब अगर मैं इसकी हाइट जो है दो मीटर कर देता तो कितनी हो दो गुणा दस प्लस दस आपको दिख रहा है कितना हो गया तीस इसकी बढ़ाता जाऊंगा ना तो ये वाली वैल्यू मेरी बढ़ती जाएगी कौन सी वैल्यू बढ़ती जाएगी टोटल स्ट्रेस ऐसे अगर आप ये देखोगे तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी बढ़ती जाएगी इसके साथ साथ क्योंकि एच बढ़ रहा है लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा क्यों क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें एच वन नाम की कोई चीज आ ही नहीं रही पूरे फॉर्मूले में देखो आप यहां पर एच वन आ रहा है एच वन आ रहा है इसमें भी एच वन आ रहा है इसमें एच वन इसमें एच वन आ ही नहीं रहा जब एच वन नहीं आ रहा तो एच वन का उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा भी नहीं तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस हमारे क्या रहते हैं कॉन्स्टेंट रहते हैं इस वाले केस के अंदर जैसे मैंने पिछले वाले में नोट लिखवाया था ना सेम नोट अपन इसके अंदर लिखेंगे इन दोनों कंडीशन में क्या अंतर हो गया इस वाली कंडीशन में जो हमारे इफेक्टिव स्ट्रेसेस होते हैं वो क्या रहते हैं कॉन्स्टेंट रहते हैं तो मैं आपको ये मिटाता हूँ दूसरी कंडीशन मैं इसको मिटाता हूँ इसके बाद अपन तीसरी कंडीशन और देखेंगे अभी एक उसके बाद एक कंडीशन और रहेगी हमारी चौथी कंडीशन चार कंडीशन है टोटल तो सेकेंड वाले में अपन नोट लिखेंगे इसमें अपन लिखेंगे नोट लिखेंगे सबमर्द सॉइल कंडीशन में वाटर को ग्राउंड लेवल से ऊपर बढ़ाने पर टोटल स्ट्रेस वे पोर वाटर प्रेशर पर प्रेशर इंक्रीज होते हैं जबकि इफेक्टिव स्ट्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है भाई तो ये अपना नोट था इसका इसके बाद फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट तीसरा तीसरा केस जो है वो क्या है अपना मैं इसको मिटाता हूं तीसरा है अपना सॉइल विद कैपिलरी फ्रिंजेस ये बिल्कुल डिफरेंट केस है मैं इसे मिटाता हूं बहुत डिफरेंट केस है अपना ये इसे थोड़ा समझना आपके लिए कठिन भी होगा तीसरा केस अपन लिखते हैं वो है हमारा सॉइल विद कैपिलरी फ्रिंजेस कोई सॉइल है जिसमें कैपिलरी फ्रिंजेस है ये है कैपिलरी फ्रेंजेज एस बराबर वन मानना है अपन को कि इसमें डिग्री सजेशन क्या है हमारी वन है नीचे तो ये तो रहनी है हमारी एस बराबर वन नीचे तो क्या है हमारी गामा सेचुरेटेड यह भी हमारा क्या होगा गामा सेचुरेटेड होगा ठीक है भाई आपने क्या मान लिया इसको फुली सैचुरड हो सकता है कैपिलरी कैपिलिटी के कारण जो हमारी सॉइल है वो पूरी सेचुरेटेड नहीं है एस बराबर वन नहीं है लेकिन हम यहां पर एस बराबर वन मान के चल रहे हैं देखो ये क्या है हमारा ये जो है ना ये ये है हमारा ग्राउंड वाटर टेबल ठीक है कैपिलरी कहां से स्टार्ट होगी यहीं से तो स्टार्ट होगी ऊपर की तरफ ही मैंने एरो बनाया है तो मतलब इससे नीचे जो है वो तो गामा सैचुरेटेड ही होगा इससे नीचे वाला क्या होगा हमारा गामा सैचुरेटेड ही होगा और इसको अपन क्या मान रहे हैं एस बराबर वन मान रहे हैं इसको ठीक है ना अब देखो यहां यहां के लिए तो मेरे कोई टेंशन है ही नहीं गामा सैचुरेटेड है टोटल अगर आपको बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को अगर आपको टोटली स्ट्रेसेस निकालने हैं तो आपको सॉइल का वेट पानी का वेट ठीक है बस वेट चाहिए कि टोटल वेट नीचे की तरफ कितना लग रहा है देखो कैपिलरी जो है पानी ऊपर की तरफ जाएगा पानी क्या है पानी ऊपर की तरफ जा रहा है पानी ऊपर चढ़ रहा है लेकिन वेट तो उसका नीचे ही काम करेगा तो टोटल स्ट्रेस में मेरे को वेट चाहिए था कि वेट टोटल कितना लग रहा है मान लो हम बैठे लिफ्ट में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं लेकिन हमारा वेट तो नीचे की तरफ ही काम कर रहा है अगर आप अपना वेट नापोगे वेट की बात आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मास हम वेट की बात कर रहे हैं तो हमारा वेट तो कहां एक्ट करेगा नीचे की तरफ और मेरे को केवल वेट से जो नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है उससे ही मतलब है किसमें टोटल स्ट्रेस के अंदर तो आप इसके अंदर भूल जाओ अब कि ये कैपिलरी वाला केस हो गया क्यों भूल जाओ क्योंकि आपको पता है भाई एस बराबर मतलब पानी भरा पड़ा है ऊपर भी नीचे भी सॉइल के वॉइड्स में बस हमारे लिए सेम कंडीशन होगी हमें कुछ सोचना ही नहीं है इसके अंदर क्यों नहीं सोचना है? मेरे को तो वेट चाहिए था बस तो मैंने क्या किया सबसे पहले ऊपर हमारा ये ये एक ही डायग्राम बन गया सीधा सीधा क्यों बन गया एक मान लीजिए ये हमारी एच वन है ये हमारी एच टू है ठीक है तो अगर आप निकालोगे यहां से आते तो क्या हो गया हमारा गामा एच वन गामा सेचुरेटेड क्या हो गया हमारा एच वन गामा सेचुरेटेड ठीक है स्लोप क्या होगी वन अपॉन में गामा सेचुरेटेड ऐसे ही आप जब ये वाला निकालोगे ये पानी एजिट ये, ये, ये वाली जो हमारे प्रेशर इज यहां तक रहेगा हमारा ही सेक्शन चेंज हुआ ये भी हो गया हमारा एच वन गामा सैचुरेटेड और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एच टू गामा सैचुरेटेड एच टू गामा इसकी स्लोप क्या है दोनों की स्लोप सेम है इसलिए मैंने एक लाइन खींच दी थी तो हमारा टोटल जो स्ट्रेस है वो गया हमारा एच वन प्लस में एच टू इन टू में गामा सेचुएटेड ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये है टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो इसमें मेरे को कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा क्यों क्योंकि मुझे तो बस ये देखना था सॉइल के जो वॉइड्स हैं उनमें क्या भरा हुआ है उनमें पानी भरा हुआ था पानी का वेट चाहे पानी ऊपर चढ़ रहा है लेकिन वेट तो नीचे काम करेगा या यहां तक तो कोई दिक्कत थी नहीं इसमें तो आपको ये तो पहले पढ़ चुके हैं हम ये वाला केस पहली बार पढ़ रहे हैं इसमें पानी ऊपर चढ़ रहा है चढ़ने दो लेकिन वेट तो उसका नीचे ही काम करेगा तो पानी पूरे पूरे वर्ड्स को फिल कर रहा है इसलिए इसकी यूनिट वेट क्या होगा गामा गा के बराबर होगा हमारा और ये गामा सेचुरेट इसलिए हमारी यहां पर टोटल टोटल प्रेशर क्या होगा इस वाले पॉइंट पर पानी का और इस सॉइल का सॉइल का यूनिट वेट क्या होगा इस वाले केस में गामा सेचुरेटेड तो क्या हो गया हमारा एच गामा सैचुरेटेड बात खत्म स्लोप क्या हो गई सेम हो गई अब अगर हम बात करते हैं ना इसके अंदर किसकी अगर इसमें बात की जाए पोर वाटर प्रेशर की तो बस वही थोड़ी सी गड़बड़ है उसी को समझना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा क्यों कठिन होगा आप ऐसा केस पहली बार देखेंगे इसलिए देखो भाई अब आप सोचोगे पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन करना है ठीक है तो भैया यहां पर कितना है इस वाले पॉइंट पर तो जीरो है प्रेशर जीरो यहां पर हमारा पानी भरा हुआ है ये पानी ये पूरे में हमारे क्या है पिछले वाले केस की तरह देख के चले तो पूरे में क्या है पानी में तो सेचुरटेड हुआ पड़ा ये भी सैचुरड हुआ पड़ा है। तो आपने क्या कर दिया यहां से ये तो हो गया हमारा क्या गामा डब्ल्यू एच वन और ये हमारा एज इट इज नीचे चला जाएगा गामा डब्ल्यू एच वन और ये होगा गामा डब्ल्यू एच टू बिल्कुल गलत है क्यों गलत है ये तो आप प्रेशर ये ले रहे थे पोर वाटर प्रेशर ये किसका होता है पानी के द्वारा तो लगता है ये तो तब है जब पानी क्या है रुका हुआ है कोई ऊपर नहीं चढ़ रहा पानी पानी का जो ग्राउंड लेवल है वो ही यहां पर था इस वाले पॉइंट पर था तो पानी ऊपर मूव नहीं कर रहा है बस इस लेवल तक पानी भरा हुआ है तो इसके अंदर जो पानी वॉइड्स में जो पानी है वो क्या था स्ट्रेटिक कंडीशन में था रुका हुआ था तब आप ये वाली चीज कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन इस वाले केस में प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा पानी देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है उठना यह पहले सूखी थी सॉइल ठीक है लेकिन जैसे ग्राउंड लेवल है ना तो पानी कहां से स्टार्ट होगा उठना यहां से यहां से स्टार्ट होगा तो प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा पानी का जहां तक वो पहुंचेगा यहां तक पहुंचा तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा पानी का इस पॉइंट पर होगा और सबसे कम कहां पर होगा इस पॉइंट पर होगा भाई कैपलेरिटी के कारण प्रेशर कहां पर सबसे कम होगा जहां से वो स्टार्ट हो रही है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है और धीरे धीरे प्रेशर कहां पर बढ़ेगा जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ेगी और उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा ठीक है भाई तो अब हमने क्या किया अब हमने क्या किया ये जो हमारा प्रेशर था इस वाले पॉइंट को मैंने ये लिया तो इसका जो प्रेशर निकलेगा ना तो इस वाले पॉइंट से इससे नीचे की अगर मैं बात करता हूं ना इससे नीचे की बात करता हूं तब तो भैया वो देखो इससे नीचे तो क्या हो रहा है पानी स्टेटिक कंडीशन में कोई मूव नहीं कर रहा वर्ड्स के अंदर भरा हुआ है तो यहां तो भाई जीरो से स्टार्ट होकर के और ये पूरा पूरा प्रेशर हमारा कितना हो गया इस वाले पॉइंट पर देखो हाइट कितनी है ह2, तो ये हो गया गामा एच टू गामा डब्ल्यू एच टू गामा डब्ल्यू कुछ भी बोलो गामा डब्ल्यू एच टू बात एक है लेकिन अगर आप बात करते हो इससे ऊपर की तो इससे ऊपर का प्रेशर मेरा क्या रहेगा वो रहेगा मेरा नेगेटिव प्रेशर सबसे ज्यादा यहां पर रहेगा और सबसे ज्यादा प्रेशर मेरा कहां पर रहेगा इस वाले पॉइंट पर रहेगा ये कितना रहेगा मेरा ये रहेगा गामा डब्ल्यू एच वन या फिर एच वन गाडब तो ये वाली बात क्लियर है आपकी तो के कारण प्रेशर कहां पर मैक्सिमम होगा ऊपर पॉइंट पर बिल्कुल जहां पर कैपेलिटी आपकी मैक्सिमम है कहा से स्टार्ट होगा ग्राउंड वाटर टेबल से जीरो से स्टार्ट होकर के यहां तक पहुंचेगा तो यहां पर जीरो था और धीरे धीरे कहां तक पहुंचा ये इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम होगा प्रेशर कितना होगा टोटल हाइट लगा लो एच वन गडर ऐसे चढ़ता है इसके अंदर बात क्लियर है अब जो इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम है उसमें और ज्यादा आपको रोचक चीजें देखने को मिलेंगी क्या मिलेंगी देखो भाई इफेक्टिव स्ट्रेस को ध्यान से समझना यह केस बहुत डिफिकल्ट केस है अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता है इसलिए आप इसको तसली से समझें इस वाले केस में आप इसमें से ये घटाओगे आप ठीक है आपने जीरो में से ये घटाया जीरो माइनस माइनस एच वन का बल जीरो माइनस घटाओगे माइनस का एच वन गामा डब्ल्यू तो ये क्या हो गया प्लस का एच वन गामा डब्ल्यू समझ के वेल में आई बात की नहीं आई मतलब एल वैल्यू मेरी क्या आएगी जीरो से ये आएगी प्लस में एच वन गामा डब्ल्यू ये मेरी प्लस की वैल्यू आएगी माइनस की वैल्यू नहीं आएगी क्यों आएगी प्लस की आपको दिख रहा है ठीक है भाई ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गई एच वन गामा डब्ल्यू की बात अब क्या है ये जो भी प्रेशर लग रहा है एज इट इज यू का यू नीचे ट्रांसफर हो जाएगा एच वन डब्ल्यू के रूप में ठीक है अब जो बाकी का जो हमारा है वो हमारा क्या होगा ये पूरा सेचुरेटेड है उस सेचुरेटेड में से मैं क्या करूंगा गामा डब्ल्यू को घटा दूंगा सेचुरेटेड में से मैं क्या घटा दूंगा गामा डब्ल्यू को घटा दूंगा तो अगर आप ये सैचुरेटेड में से एच वन गामा सेचुरेटेड में से अगर आप गामा डब्ल्यू को घटाओगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी वैल्यू एच वन गामा डैश और ये आ जाएगी आपकी एच टू एच टू गामा डैश इस तरह से अपन इसको निकालेंगे तो देखो इसमें क्या हो रहा है आपने देखा कि सर इसमें ये जो एच वन आपने इसको एच डी डी ट्रांसफर कर दिया अरे देखो इसको समझो तसल्ली से जैसे ये पार्टी ये ये जो कैपिलरी वाटर ऊपर जाएगा ना तो कैसे जाएगा ये ये वाटर जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसके जो पार्टिकल है पास के उन पार्टिकल्स को नीचे धकेलता हुआ ऊपर पहुंचेगा समझ रहे हो बात को कैसे पहुंचेगा भाई कैपेबिलिटी कांड पहुंच रहा है और कैपेबिलिटी कैसे होती है इस तरह से मैनिसकस बनता है बनता है तो ये जो मैनिसकस का पॉइंट है ये ऊपर पानी को खींचता है ये खींचेगा तो नीचे वाले जो पार्टिकल उनको दबाता हुआ चलेगा अब भी समझ नहीं आया काफियों को अरे भाई जैसा हमारा कुआ होता है कुआ कुएं से आप पानी बाहर निकालते हो तो कैसे निकालते हो कुआ भी छोड़ा आप धनुष चलाते हो तो क्या करते हो आप इसको यूं खींचते हो ठीक है तो आपने क्या किया इस वाले से आप ये खींच रहे हो और एक से आप दबा रहे हो इस वाले से आप दबा जितने अमाउंट से आप तीर को खींच रहे हो उतने से ही आप धनुष को दबा रहे हो दोनों चीज एक साथ हो रही है मतलब आप कहा जाए कि अगर ये पीछे अगर वो आगे जा रहा है धनुष तो ये क्या जा रहा है पीछे जा रहा है तो ये सेम चीज यहां पर हो रही है ये ऊपर तो चढ़ रहा है लेकिन कैसे चढ़ रहा है नीचे वालों को दबा करके ऐसे ऐसे चढ़ रहा है पानी ऊपर तो जब वो नीचे वालों को दबाएगा ये देखो इन पार्टिकल्स को दबाता है वो चढ़ेगा ऊपर तो क्या होगा इसका दबाने से ही तो हमारे इफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ते हैं इफेक्टिव का स्ट्रेस का काम ही मतलब ही क्या था ये वो स्ट्रेसेस होते हैं वो पार्ट होता है टोटल स्ट्रेस का जो क्या करता है हमारे जो पार्टिकल्स है उनको एडिशनल फोर्स देता है उनको कॉन्टेक्ट लाता है दबा करके और ये कैपेबिलिटी ये भी यही काम कर रही है कॉन्टेक्ट में ला दे तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे बढ़ जाएंगे कितने बढ़ जाएंगे हमारे इतने हो जाएंगे एच वन गामू बढ़ जाएगा अगर ये हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है अगर यहां तक पानी अगर हमारा भरा होता केवल सिंपल ग्राउंड वाटर यहां तक होता कैपेरिटी नहीं होती तो आपका ये क्या होता है इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू होती है हमारी एच वन प्लस में एच टू इंटू में गामा डैश यही तो होती लेकिन इस वाले केस में हमारी थोड़ी बढ़ चुकी है कितनी एच वन गामा डब्ल्यू इसलिए वही हमने लिखा है कि ये एच वन गामा डब्ल्यू एच डी ऊपर से नीचे तक लग जाते हैं तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसीजर था ये हमारा सिंपल सा केस था किसका कैपिलरी फिलिंज का तो ये आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट था कितना बढ़ जाता है तो आप हमेशा ध्यान रखें कैपिटल फ्रिज के यहां से जीरो से स्टार्ट होगा पोर वाटर प्रेशर पर होगा जो लास्ट पॉइंट होगा हमारा हेड होगा होगा का पर हो हो मैक्सिमम बात क्लियर है क्या नहीं और इफेक्टिव स्ट्रेस के केस में जितना हमारा यहां पर था ना प्रेशर ये पोर वाटर प्रेशर वो एज इट इज पूरा पूरा प्रेशर किसको दे देगा इफेक्टिव स्ट्रेस को एज इट इज ये आपको ध्यान रखना है तो इसमें मैं लिखता हूं ये क्या है हमारा ये है पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और ये क्या है हमारा ये है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तो आप ये उतारो इसके बाद फिर मैं आपको चौथा केस बताता हूँ मैं इसे मिटाता हूं चौथा केस है हमारा ये थोड़ा स्पेशल केस है इससे केवल स्टेटमेंट पूछा था वैन ग्राउंड वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल एंड सर चार्ज अप्लाइड सडनली ये क्या कह रहा है ये भैया ये कह रहा है हमारा ग्राउंड लेवल है और यही हमारा क्या है ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यही हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है यह हमारी सॉइल है और यह सरचार्ज लगाया जा रहा है देखो इस वाले केस में क्या केस है ये ये कह रहा है कहा ग्राउंड वाटर वाटर टेबल टेबल इज एट ग्राउंड 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 कि ground जो है है कहां पर लेवल पर है दोनों एक ही लेवल पर है बिल्कुल फिक्स ठीक है एंड सरचार्ज अप्लाइड सडनली और सरचार्ज एकदम से लगाया जाए तो क्या होगा ध्यान से समझना आप जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई गिलास था उसमें बजरी भरी हुई थी मैं उसमें पानी भरता गया पानी भरता गया पानी भरता गया और पानी आपको दिख रहा है ग्लास कांच का है कि यूं भरता जा रहा है बढ़ता है बढ़ता जा रहा है और ये इसका टॉप था टॉप तक पानी भर गया मतलब बजरी के पार्टिकल पानी के पार्टिकल एक लेवल पर आ गए बात क्लियर है तो ये कंडीशन है यह वेन जी डब्ल्यू टी ग्राउंड वाटर पर है एंड अप्लाइड सडनली अब क्या है उस बजरी के ऊपर आप एकदम से यू यू मार रहे उस ग्लास पे आपने क्या किया इस तरह से एक चोट मारी ठीक मतलब आपने जो सरचार्ज लगाया कैसे लगाया आपने उसके ऊपर सडनली आपने उसके ऊपर सरचार्ज लगाया सडनली सरचार्ज लगाया तो क्या होगा तो जैसे ही आप उसके ऊपर सरचार्ज लगाओगे तो इसके अंदर क्या चीज एक दूसरे से बढ़िया तरीके से कॉन्टेक्टेड है तो आपको दिख रहा है ये तो हमारे पार्टिकल्स थे बजरी के ठीक है और इसके अंदर पानी क्या है पानी ऐसे है मतलब इसके बजरी के चारों तरफ पानी पानी होगा और तो कुछ होगा नहीं इसका मतलब क्या है इस ग्लास के अंदर जो हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से कॉन्टेक्टेड हैं एक दूसरे से इन कंपेरिजन टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स सॉलिड के जो पार्टिकल है, उसकी है, जो पानी के पार्टिकल है वो ज्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं देखो ना वो ज्यादा बेहतर तरीके पूरे, पूरे पूरे पार्टिकल ये पार्टिकल इससे जुड़ा हुआ है या कहीं नहीं जुड़ा हुआ पास वाले से नहीं जुड़ा हुआ बीच में पानी आ गया तो क्या होगा जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे ना एकदम से लगाओगे तो देखो आप इमेजिन करो कि एक तरह से गुब्बारे हैं ये उसके बीच में टॉफियां भरी हुई है जैसे ही आप इसके ऊपर लोड लगाओगे तो पूरा लोड कौन लेगा ये जो हमारे बैलून है वो लेंगे बात क्लियर ले है लेकिन जैसे ही आप क्या है फूट जाएंगे फिर लोड कौन लेगा फिर लोड लेगा हमारी ये टॉफियां बात क्लियर है क्या नहीं तो सेम चीज यहां पर चल रही है जैसे ही आप लोड लगाओगे तो पूरा का पूरा लोड किसके पास चला जाएगा कंप्लीट लोड चला जाएगा हमारे किसके पास सर ये जो हमारे पानी के पार्टिकल्स है उसके पास जाएगा। मतलब किसको, मिल जाएगा? पोर किसको मिल गया पानी को मिल गया और पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो गया लेकिन जैसे ही क्या होगा कुछ समय बाद दो मिनट बाद तीन मिनट बाद पांच मिनट बाद छह मिनट बाद दस मिनट बाद जब कभी भी मतलब टी बराबर टी टाइम बोलूंगा मैं आपको टी बराबर टी का मतलब क्या है कि कुछ समय बाद जीरो नहीं जीरो के अलावा कुछ भी तो टी बराबर टी टाइम पर क्या होगा टी बराबर टी समय पर जैसे ही हमारे गुब्बारे फूट जाएंगे तो वो अपना पूरा लोड जो वो झेल रहे थे वो किसे दे देंगे टॉफियों को दे देंगे तो मतलब क्या है कहने का यहां पर गुब्बारे क्या है पानी के मॉलिक्यूल्स तो वाटर अपना टोटल किसको दे देगा वो अपना पूरा पूरा पानी अपना पूरा पूरा जो स्ट्रेस है जो सरचार्थ था वो किसको ट्रांसफर कर देगा इफेक्टिव स्ट्रेस है इसको दे देगा तो ये होती है इसकी कंडीशन तो आपसे पूछा जाएगा कि टी बराबर इस कंडीशन में आप क्वेश्चन क्या बनेगा जी डब्ल्यू टी एट जी ग्राउंड लेवल एंड सर चार्ज अपना इस वाले केस में जो हमारा टी बराबर जीरो समय पर जीरो समय पर सरचार्ज किसको मिलेगा जीरो समय पर मिलेगा किसको वाटर को और टी बराबर टी समय पर कुछ समय बाद किसको मिलेगा वो वो वाटर ट्रांसफर कर देगा किसको जो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेसेस है उसको ट्रांसफर कर देगा तो मैं आपको दोनों डायग्राम बनाता, हू बनाता हूं देखो टी बराबर जीरो पर बनाता हूं दोनों के मैं आपको बनाता हूं किस तरह से बनते हैं हमारे फिर कुछ लाइन भी लिखेंगे इसके अंदर हम तो मैं आपको पहले बनाता हूं ये लिखता हूं मैं आपको टी बराबर जीरो समय पर, भाई टोटल स्ट्रेस में दिमाग लगाना ही नहीं है हमको क्यों नहीं लगाना वो तो सेम रहेंगे ये आपका गामा सेचुरेट हो गया तो वो तो हमारा क्या रहेगा क्यू एज इट इज ट्रांसफर हो गया ऊपर से नीचे तक आप इसकी हाइट एच मानो क्यू के बाद में ये हो गया हमारा कौन सा ये मैं उसकी बात कर रहा करूँ टोटल स्ट्रेस की ये क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा एच इन टू में गामा सेचूरेटेड ये हो गया हमारा टोटल स्ट्रेस ये क्यू एच गामा सैचुरेटेड ठीक प्लस में एज गामा सैचुरेटेड यह हमारा तो ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था हमको टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पोर वाटर की बात करें तो स्टार्ट में कंप्लीट जो स्ट्रेस मिला था ना क्यू किसको मिला था पोर वाटर को एज इट इज उसके साथ में पोर वाटर लग रहा था हमारा क्या गामा डब्ल्यू एच एच गामा डब्ल्यू ये तो उसको मिल ही रहा था और सभी क्वेश्चन में आपने देखा आपका पोर वाटर का डायग्राम कैसा बनता था अगर ये मेरा सिंपल केस होता ना इस लोड को नहीं लगाता मैं तो मेरा डायग्राम कैसा बनता पोर वाटर का ये जीरो से स्टार्ट होता और एच इंटू में गामा डब्ल्यू बन गया लेकिन इस वाले में क्या है इस वाले में ये नहीं इस वाले में इसके साथ में क्यू और जुड़ रहा है क्यों कौन सा जुड़ रहा है ये जो सडनली अप्लाइड किया है वो मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट कौन झेलेगा पहले ये झेलेगा बलून्स वाला आपको याद रखना है बेलून्स के अंदर टॉफी बस ये ध्यान रखनी है आपको ये हो गया मेरा ये कब की बात चल रही है भैया स्टार्ट की बात चल रही है जब मेरा टी बराबर जीरो होता तो मैं इसको लिख देता हूं ये कौन सा हमारा पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ओके और ये क्या रहेगा मेरा इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो देखो Q से Q तो एज इट इज घट गया पूरा पूरा बचा क्या एच गामा सेचुरेटेड एच गामा डब्ल्यू मतलब वही जो पुरानी कहानी बेचारे की एच इन टू गामा डैश तो ये मेरा एच गामा डैश आ गया और ये क्या है मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन खत्म बात कब की बात थी ये ये बात थी टी बराबर जीरो समय की क्या आपने जैसे ही लोड लगाया सडनली उस टाइम क्या होगा पूरा पूरा लोड किसको मिल जाएगा हमारे पोर वाटर प्रेशर को अब मैं इसको लिखता हूं अब हम देखते हैं कब कुछ समय बाद कुछ समय को मैं क्या लिख दू टी समय बाद आफ्टर टाइम टी टी समय बाद टी समय बाद क्या होगा ये तो मेरा सेम रहेगा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना ये तो वही चीज़ रहेगी टी समय बाद अब मेरे ये जो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी क्या हो जाएंगी ये दोनों चीज़ आपस में इंटरचेंज हो कि ये जो है हमारा ये तो हो जाएगा सिंपल बस वही एच इन टू गामा डब्ल्यू ठीक है ये क्या है मेरा पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और ये क्या हो जाएगा अब जो Q पहले इसके पास था ना वो किसको मिल गया वो मिल गया इफेक्टिव स्ट्रेस को मिल गया। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो पहले था मेरा एच गामा डैश वो अब हो चुका है मेरा कंप्लीट क्या Q प्लस में एच इंटू में गामा डैश ये क्या है मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तो ये हमारा कंप्लीट इसके बारे में बात थी कैसे था ये मैंने आपको सिंपल लग में बता दिया अब इसके बारे में कुछ लाइन लिखेंगे अपन मैं इसको मिटाता हूं मैं इसे मिटाता हूं भाई इसके बारे में कुछ लाइन लिखेंगे जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वही चीज लिखते हैं अपन तो आपसे यही पूछेगा कि टी बराबर जीरो पर किसको मिलेगा क्यों पानी को मिलेगा टी बराबर टी समय बाद किसको मिलेगा इफेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा बस इतनी सी बात है लिखते हैं आप इसमें जब ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर पहुंचती है वह इस पर क्यू सर चार्ज सडनली अप्लाई किया जाए तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्यू लगाओगे तो स्टार्ट में लिख देंगे ब्रैकेट में एट टी बराबर जीरो तो स्टार्ट में कंप्लीट सरचार्ज पोर वाटर पोर वाटर प्रेशर में कन्वर्ट होता है वह कुछ समय बाद यह सरचार्ज इफेक्टिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है भाई यही स्टेटमेंट है कि टी बराबर जीरो पर किसको मिलता है टी बराबर जीरो पर तो मिलता है वो खुद को किसको पोर वाटर प्रेशर को और फिर टी बराबर टी समय बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो टी बराबर टी समय बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें इफेक्टिव स्ट्रेस में इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल कंडीशन दिखाता हूँ जिसके अंदर इन तीनों को मैं दिखाता हूँ एक ही डायग्राम में मैं इसे मिटाता हूँ पहले आप इसको उतार लो मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई प्रैक्टिकल कंडीशन ऑफ अबव केसेस ऊपर वाले जो केसेस थे उसे कंडीशन आपको एक ही जगह दिख जाएगी कहां पे जो बीच होते हैं बीच समुद्र किनारे जैसे गोवा का हुआ मुंबई का हुआ उस जगह है। तो उस जगह देखो ये तो मान लीजिए हमारी आ, ये तो हमारी सॉइल है ठीक है भाई और ये है हमारा ये तो हमारी सॉइल थी और ये है हमारा ग्राउंड वाटर टेबल मतलब वहाँ का जो भी पानी का लेवल है वो है ये ठीक तो आपको मालूम है ये हमारी क्या है ये तो भैया हमारी कंप्लीटली ये सॉइल थी कंप्लीट ये सॉइल ही चल रही है इससे रेड लाइन से नीचे नीचे एक सेकंड इस सॉइल को डैश से नहीं इसे मैं दिखाता हूं इससे ये मेरी सॉइल है रेड लाइन से नीचे नीचे ऐसा सरफेस था ठीक है भाई ये मेरी सॉइल हो गई अब इस सॉइल में आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक का पोर्शन ये वाला पोर्शन पूरा पूरा डूबा हुआ है सब ये कौन सी कंडीशन है मेरी फुली सबमर्ज कंडीशन ठीक है भाई यहां पर क्या है पानी का लेवल ये रहा इससे ऊपर सोइले तो यहां पर क्या कैपिलरी फ्रिंजेस जाएंगी कि नहीं जाएंगी ऊपर तक ये मेरी कैपलरी फ्रिंजेस जा रही है केवल यहां तक गई ठीक तो ये जो मेरा पोर्शन है ये कौन सा है मेरा कैपिलरी फ्रिंजेस कंडीशन ये कौन सी हमारी ये हमारी यहां पर कुछ भी नहीं है ये हमारी ड्राई सॉइल तो ये वाली जो कंडीशन है कौन सी है ड्राई सॉइल अब देखो आप आप सोचकर देखो जब आप इन तीनों कंडीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशन में कौन सी आपके लिए सबसे स्टेबल है कौन सबसे स्ट्रांग है आप अगर पानी में यहां जाते हो तब भी आपका पैर अंदर गड़ जाता है धस जाता है अगर आप इसमें घूमते हो सूखी मिट्टी में तब भी आपका पैर धस जाता है इसमें तो अंदर बिल्कुल घुस जाएगा पानी वानी पहुंच जाए इसमें तो पैर आपका क्या है इतना घुस जाएगा ऐसे ठीक इसकी बात करूं तो इसमें आपका पैर ये इतना घुस जाएगा देखो इतन, इतने इतने इतना इसमें इतना घुस जाएगा इसमें इतना घुस जाएगा लेकिन अगर मैं इस स्पोर्टसन की बात करता हूं ना अगर मैं इस स्पोर्टसन की बात कर रहा हूं तो आप यहां पर इजीली चल पाते हो सोचो आप चाहे जाकर देख लेना गोवा में अगर आपको देखना है तो तो आपने देखा होगा जहां पर थोड़ी बहुत नमी सी है वहां बिल्कुल मजबूत होता है आप उस पर यूं खड़े हो जाए बहुत मजबूत होता है सूखा वाला भी क्या है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं वो भी वीक है ये भी पुअर है ये भी पुअर कंडी तो देखो आप और क्यों है ये मैंने प्रैक्टिकल बता रहा हूं अभी आपको अब मैं आपको थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई की जब हमारे कैपलेरी वाला केस होता है वहां पर एच गामा डब्लू बढ़ जाते हैं इफेक्टिव स्ट्रेसेज वही तो बात थी तभी तो ये वाला मजबूत पोर्सन है हमारा क्योंकि यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस पहले की तुलना तो में कितने बढ़ गए बढ़ चुके हैं बात है नहीं तो देखो ये तीनों कंडीशन एक साथ इस वाली ये वाली सबसे ज्यादा क्या होती है स्ट्रांग होती है स्ट्रांग कंडीशन ठीक है ना गुड स्टेबल कंडीशन ये कैसी है पुअर कंडीशन ये कैसी है वेरी पुअर क्यों है गुड लिख लेना अपने आप नीचे क्योंकि यहाँ पर कैपलरी के कारण इफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बस ये थोड़ी सी नॉलेज के लिए था तो अपना ये लेक्चर नंबर सिक्सटीन कंप्लीट हो चुका है अपन जो है जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा सेवनटीन वो हमारी नेक्स्ट यूनिट रहेगी वो कौन रहे सी रहेगी पेज ठीक है थैंक यू सो मच